जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले T20 मैच की, जो कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में खेला जाएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी UDCRA फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी UDCRA फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे बेल का आइकन दिखेगा इस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि होगा क्या, हम जब भी कोई प्राइम वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन टैब में यहाँ ऊपर में सबसे पहले आ जाएगी। एंड दोस्तों हमारी फैमिली मेम्बर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि ग्रैंड लीग के ऊपर वीडियो की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड लीग के ऊपर वीडियो अपलोड हो गई है, यूट्यूब पे लाइव है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं मैच की। दोस्तों बात करें पिच रिपोर्ट की, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये नॉटिंगम का। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना दोस्तों, तो लास्ट गेम में यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉरविक शायर एंड नॉटिंगम शायर के बीच में जो मैच हुआ था T20 ब्लास्ट का, अभी हाल ही में हुआ था, यहाँ पे देखिए 200 से ज़्यादा रन बने थे इसी ग्राउंड पे। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा दोस्तों कि ये ग्राउंड, इस ग्राउंड में 200 प्लस रन बन सकते हैं। तो दोस्तों आगे अगर बात करें दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसन रॉय दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे एंड 1000 से ज़्यादा इनके T20 करियर के रन हैं। इसके बाद दोस्तों जॉस बटलर या जॉनी ब्रेस्टो, इन दोनों में से कोई एक जैसन रॉय के साथ ओपन करते हुए आपको दिख जाएंगे। अगर जॉस बटलर की बात करें तो 1700 से ज़्यादा इनके T20 करियर के रन हैं। इसके बाद दोस्तों वन डाउन पे आएंगे डेविन मलान, रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, प्लेयर भी ठीक ठाक हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। इनके अगर रन्स की बात करें तो 1000 से ज़्यादा इनके भी T20 करियर के रन हैं। दोस्तों आगे बात करें जॉनी ब्रेस्टो की, जॉनी ब्रेस्टो दोस्तों बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं और इनके अगर रन्स की बात करें तो 1000 से ज़्यादा इनके T20 करियर के रन हैं। दोस्तों प्लेयर काफ़ी बड़े हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसन रॉय हो गए एंड इसके अलावा बटलर हो गए और ब्रेस्टो हो गए एंड इसके अलावा मॉर्गन। दोस्तों मॉर्गन की बात करें तो ये टू डाउन पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। एंड इनके अगर करियर की बात करें T20 करियर के बारे में, तो 2000 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हुए हैं। दोस्तों आगे अगर बात करें लियाम लिविंगस्टोन या फिर लेविस ग्रेगरी के बारे में, तो दोस्तों इनमें से कोई किसी एक को मौका मिलेगा। अगर बात करें लियाम लिविंगस्टोन की, तो 59 रन बनाए इन्होंने अपने T20 में एंड इसके अलावा 2 विकेट भी इन्होंने इनके नाम पे हैं। उसके अलावा दोस्तों ग्रेगरी की बात करें तो 35 रन और 1 विकेट। दोस्तों मुझे ज़्यादा लगता है कि लियाम लिविंगस्टोन को चांस दिया जाएगा इस वाले मैच में, लेविस दोस्तों डाउटफुल रहेंगे इस वाले मैच में, बट देखते हैं लाइनअप के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ये वीडियो छोटी ही बनेगी 10-12 मिनट की एंड मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगले नंबर पे बात करते हैं मोइन अली की, मोइन अली दोस्तों 399 रन एंड 18 विकेट इनके नाम पे हैं। इस वाले मैच में इन्हें खेलते हुए आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अगले प्लेयर की, तो उसका नाम आता है डेविड वेली, 166 रन इनके नाम पे हैं एंड 37 विकेट, प्लेयर काफ़ी तगड़े हैं दोस्तों, हो सकता है इस वाले मैच में भी ये काफ़ी विकेट लेके जाएं। तो दोस्तों इनको स्मॉल लीग्स में ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें एक सेकंड दोस्तों क्रिस जॉर्डन की, दोस्तों क्रिस जॉर्डन की अगर बात की जाए इनके T20 करियर के बारे में, तो यहाँ 278 रन एंड 73 विकेट इनके नाम पर हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं आदिल रशीद की, दोस्तों आदिल रशीद को अगर इनकी बात की जाए तो 56 रन और 59 विकेट, दोस्तों बॉलर काफ़ी तगड़े हैं, इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इनको स्मॉल लीग्स एंड ग्रैंड लीग्स दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ
एक नाम और भी आता है साकिब महमूद का। दोस्तों साकिब महमूद, ये इनका अभी T20 का रिकॉर्ड उतना नहीं है क्योंकि ये मैच उतने ज़्यादा नहीं प्ले किए हैं, इसलिए अभी हाल फिलहाल के कुछ मैच के ही रिकॉर्ड हैं 3 विकेट। दोस्तों अभी हाल ही में जो मैच हुआ था, आपने सभी ने इन्हें इनके रिकॉर्ड्स देखे ही होंगे कि किस तरह से विकेट लिए थे। आगे अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तान के बारे में, तो दोस्तों फ़कर जमान 948 रन इनके T20 करियर में हैं। और दोस्तों इसके अलावा बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोहम्मद रिजवान आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिख जाएंगे, और 843 रन इनके T20 करियर में है। दोस्तों आगे अगर बात करें बाबर आजम की, तो 2000 से ज़्यादा इनके रन हैं। और दोस्तों आपको एक बात बताऊँ तो स्मॉल लीग्स के कैप्टन में बाबर आजम सबसे सेफ चॉइस है आपके लिए, या इस मैच में होने वाले हैं सबसे सेफ चॉइस। दोस्तों इसके आगे अगर बात करें तो सोहेब मकसूद, दोस्तों 221 रन इन्होंने अपने T20 करियर में बनाए हैं, प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें आप GL वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो अगले नंबर पे मोहम्मद हफीज़, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं, 2300 से ज़्यादा इनके T20 करियर के रन हैं, 55 विकेट्स भी इन्होंने लिए हुए हैं। तो दोस्तों इन्हें टीम में लेना बनता है क्योंकि प्लेयर काफ़ी तगड़े हैं, दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें शादाब खान की, 183 रन इनके नाम पर 53 विकेट भी हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें इमाद वसीम की, दोस्तों 300 से ज़्यादा रन इनके नाम पे हैं एंड 47 विकेट इस वाले मैच में भी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ दोस्तों 259 रन इनके नाम पे हैं एंड 48 विकेट्स भी इन्होंने लिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें हसन अली, दोस्तों हसन अली थोड़े डाउटफुल हैं, बट देखते हैं लाइनअप के बाद कि क्या इन्हें खिलाया जा रहा है या नहीं। बट इनके अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड्स है इनके, 48 विकेट इन्होंने लिए हैं एंड 104 रन भी बनाए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी दोस्तों 17 मैच और 27 विकेट इनके नाम पे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें हरीश रऊफ की, तो 6 रन एंड 25 विकेट इन्होंने लिए हुए हैं। दोस्तों मिनी GL वगैरह में हरीश रॉव को आप ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों शाहीन अफरीदी दोस्तों अपोनेंट के पास होंगे ही होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे तगड़े वाले प्लेयर की, तो शादाब खान, ये अधिकतर लोगों की टीम्स में रहेंगे ही रहेंगे, हफीज़ रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो बाबर आजम, एंड इसके अलावा भी अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान। दोस्तों ये प्लेयर्स आपको इस वाले मैच में, सॉरी दोस्तों ये सभी प्लेयर्स दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन टीम में देखने को मिल जाएंगे अपोनेंट के पास भी। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड के साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे डेविड वेली एक नाम आता है, इसके अलावा आदिल रशीद एक नाम आता है, और उसके अलावा दोस्तों लिविंगस्टोन का भी एक नाम आता है, एंड ग्रेगरी खेलेंगे तो एक ग्रेगरी हो गए। दोस्तों लिविंगस्टोन या ग्रेगरी में से कोई एक ही खेलेंगे। इसके अलावा दोस्तों डेविड मलन जैसन रॉय एंड जॉस बटलर, दोस्तों ये आपको तगड़े परफॉर्म करते हुए आज के मैच में दिख जाएंगे। ये दोस्तों हमारी प्रेडिक्शन है जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ मोइन अली, दोस्तों मोइन अली को आप GL में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों सोहेब मकसूद, दोस्तों GL पिक तो है ही है, साथ ही इनकी पिछली परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो इन्हें भी लिया जा सकता है इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली लेके अपने क्या कहते हैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखा देता हूँ, क्या रहेगी आज की हमारे ड्रीम इलेवन की टीम। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ड्रीम इलेवन पे लेके चलता हूँ।
दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए मैं टीम बना के पहले ही रखा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, जॉस बटलर हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हफीज़ हैं, जैसन रॉय हैं, बाबर आजम हैं, डेविड मलान, ग्रेगरी, शादाब खान। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आदिल रशीद, डेविड वेली एंड शाइन अफरीदी। एंड दोस्तों CVC, दोस्तों मैंने आपको पहले ही CVC दिखा दिया है, बाबर आजम एंड जॉस बटलर, ये दोस्तों सेफ पिक है। अगर इसमें से आपको चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, अगर ग्रेगरी नहीं खेलते हैं तो इसके जगह पे आप लियाम लिविंगस्टोन को ट्राई कर सकते हैं। शादाब तो हमारे पक्के वाले पिक रहेंगे दोस्तों, सभी अपोनेंट के पास होंगे ही होंगे, हफीज़ भी होंगे, रॉय भी होंगे, मलान भी होंगे। दोस्तों अगर आप रिस्क लेना चाहें ना तो मलान की जगह आप जॉनी ब्रेस्टो को ले सकते हैं। यहाँ पे हमने उनके ऊपर रिस्क लिया है, जॉनी ब्रेस्टो के ऊपर। पाकिस्तान के साइड से दोस्तों मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, शादाब खान है, इनको हमने ट्राई किया है, एंड मोहम्मद हफीज़ भी हैं। इसके अलावा दोस्तों चेंजेस की बात कर रहा था मैं, ग्रेगरी के प्लेस पे आप लियाम लिविंगस्टोन ले सकते हैं अगर वो नहीं खेलते हैं तो। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से आदिल रशीद के जगह सोहेब मकसूद, दोस्तों सोहेब मकसूद रहने को तो GL पिक है दोस्तों, इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्हें लिया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको सोहेब मकसूद नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप आदिल रशीद को ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चेंजेस की अगर मैं बताऊँ, शाहीन अफरीदी, दोस्तों हसन अली के चांस मुझे कम लग रहे हैं इसीलिए, वरना प्लेयर तो ठीक ठाक हैं, बॉलर ठीक हैं, लेकिन अगर शाहीन अफरीदी के जगह यहाँ पे देखिए दोस्तों हरीश रऊफ, इन्हें आप ले सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। दोस्तों मैं शाहीन अफरीदी के साथ ही जा रहा हूँ एंड ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एल ग्रेगरी अगर नहीं खेलते हैं तो लियाम लिविंगस्टोन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये हमारी अभी की फ़ाइनल टीम होगी, टॉस के बाद आपको फ़ाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।